हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस वीडियो में जो अभी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है उसी में कंटिन्यूएशन ये क्वेश्चन है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2016 एंड इट इज पेपर 1। क्या है क्वेश्चन? ये अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं जे एडवांस का, तो उसके बाद थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट लॉ बेस्ड क्वेश्चन है और फिर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसको किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप जो है बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेगा, और इट विल बी लाइक आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल अगेन प्लान फॉर द नेक्स्ट चैप्टर टू बी द एडवांस लेवल। क्या एडवांस लेवल में आपका सोच होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, दैट यू शुड अवेयर विद द क्वेश्चन दैट हाउ डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन इट इज एंड हाउ यू शुड थिंक ऑफ देयर। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवांस पेपर को करने का है वो एग्जाम में यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में जो है कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये हमें पता होना चाहिए। और उस वो तब होगा जब हम अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर चुके हैं और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे फिर उस पे स्टेप आउट करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट इज अ मेटल इज हीटेड इन अ फर्नेस वेयर अ सेंसर इज केप्ट अबव द मेटल अबव अ मेटल इज हीटेड इन अ फर्नेस वेयर अ सेंसर इज केप्ट अबव द मेटल। यहाँ पे अबव द मेटल जो है वो दो बढ़ा गया है, दिस इज अबव द मेटल सरफेस टू रीड द पावर रेडिएटेड पी। तो ये चीज जो है पावर को जो रीड किया जा रहा है उसका रीडिंग जो है वो पावर जो रेडिएट होगा उसको पी इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द मेटल। नाउ द सेंसर हैज ए स्केल दैट डिस्प्ले। अब ये लॉग टू पी बाय पी नॉट, ये एक स्केल मेजरमेंट के लिए इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि जो डिस्प्ले होगा उसके बेसिस पे लॉग पी बाय पी नॉट, वेयर पी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा। सेंसर हैज ए स्केल, तो जो स्केल सेंसर के पास है वो स्केल इस बेसिस पे है कि इट इज लॉग बेस टू पी बाय पी नॉट, वेयर पी इज द जो रीडिंग होगा सेंसर का उसके बेसिस पे, और पी नॉट एक कोई कॉन्स्टेंट है। व्हेन द मेटल सर्फेस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 487 डिग्री सी, मेटल टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर पे जब होगा यानी कि 487 पे, तो सेंसर शोज ए वैल्यू ऑफ 1। तो जिस समय 487 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस केस में जो है मेटल का, उस समय सेंसर पे जो ये लॉग टू पी बाय पी नॉट वैल्यू जो होगा दैट विल बी इट इज ए स्केल रीडिंग ऑफ सेंसर ओवर देयर, सो इट्स द रीडिंग उस समय 1 है। ठीक है, सॉरी। एज्यूम दैट द इमिसिविटी ऑफ द मेटेलिक सर्फेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो इमिसिविटी है मेटल सरफेस का वो कांस्टेंट है, ये हमें दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू डिस्प्लेड बाय द सेंसर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस इज रेज्ड टू। तो ये जब रीडिंग होगा, मतलब ये एक जो है आपको जस्ट लाइक फर्स्ट तो आपको ये आना चाहिए कि जो रिलेशन दिया गया है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि लॉग पी बाय पी नॉट फॉर्मेट हमें कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिसको हम रिलेट कर सके। और दूसरा जो एक रीडिंग ये है उसको 1 माना गया है ऑन दैट स्केल, तो ये जो रीडिंग होगा इसका सेंसर पे क्या ये आएगा आपको वो बताना है। दिस इज इंटीजर काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे लेट्स सी। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे है वो पावर का है, पी दिया हुआ है, तो स्टार्ट विद दैट ओनली। पावर जो है इसमें नॉर्मली हम जानते हैं पावर क्या होता है, पावर पी होता है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट किस रेट से फ्लो होता है, क्योंकि हीट क्या है एनर्जी, किस रेट से फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड पावर, तो दिस इज पावर इट इज। अब इसको हम कैसे रिलेट करें, जो रिलेशन दिया गया है उस फॉर्मेट में, तो मेरे पास एक स्टीफेंस लॉ का एक फॉर्म है, जिस स्टीफेंस लॉ के फॉर्म के बेसिस पे हम पावर को जो लिखते हैं वो इमिसिविटी के। इन्होंने एक लाइन आपको गाइड कर दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये बच्चा मान लो कि जो इमिसिविटी है दैट विल बी कांस्टेंट, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एज्यूम दैट द इमिसिविटी ऑफ द मेटेलिक सरफेस
जो मेटेलिक सरफेस है उसका इमिसिविटी रिमेंस कांस्टेंट है। तो इमिसिविटी कहने का सेंस यहाँ पे ये था, यू शुड थिंक द डायरेक्शन ऑफ स्टीफेंस लॉ एंड सिग्मा ए, यहाँ पे सिग्मा ए इप्सिलॉन टी टू द पावर 4, ये हम जानते हैं। यहाँ पे इमिसिविटी क्या दिया हुआ है, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज गिवन। तो जब ये कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे और भी चीज आप देख रहे हो, सिग्मा है, ए है, एरिया है, किसी पर्टिकुलर जो मेटेलिक सरफेस होगा उसको अगर हम इस पूरे टर्म को कांस्टेंट मान ले तो दिस यू कैन राइट इन द टर्म ऑफ, दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू, पी नॉट एंड देन टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे पी नॉट का जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा ये आएगा सिग्मा ए इप्सिलॉन नॉट, और इसी के बेसिस पे हम इसको ये लिख सकते हैं कि दिस इज पी डिवाइडेड बाय पी नॉट एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज टी टू द पावर 4। Once you are getting this relation, then what you need to do is you can apply the log both side और base 2 रखेंगे। क्यों 2 रखेंगे? क्योंकि 2 वाले format में ही हमें दिया गया है। तो this is in your hand that which base you should take as per the requirement of the question। तो यहाँ पे हम लोग base 2 रख रहे हैं, log 2 and t to the power 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? This is 4 log and then it is 2 एंड देन इट इज टी। तो ये एक रिलेशन आपको निकल के आ गया है, लॉग पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, जिसका बेस जो है वो 2 है, और इसके बेसिस पे हमें टेम्परेचर में रिलेशन आ गया है। अब टेम्परेचर ही तो चेंज किया जाएगा, जिस समय आपको दिया गया है कि सरफेस का टेम्परेचर, मेटल के सरफेस का टेम्परेचर जिस समय 487 डिग्री सी, दिस मेटेलिक टेम्परेचर सरफेस का जो 487 है, तब उस सेंसर का जो रीडिंग आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो लेट्स सी हाउ दिस इज लॉग पी बाय पी नॉट बेस 2, ये हमें लाना था क्योंकि यही चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये बच्चा लॉग 2 बेस पी बाय पी नॉट कहाँ से लाओगे, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। और इसके बाद तो आई होप कि इट इज इजी फॉर यू, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ओनली। सो दिस वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट जो इस पार्ट क्वेश्चन में था। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टी सरफेस जो हमें दिया गया है, व्हाट इज द टी सरफेस? टी सरफेस इज 487 डिग्री सी। तो 7 डिग्री सी, अब 87 डिग्री सी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केल्विन कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाई आई एम कन्वर्टिंग केल्विन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ का डिजिट जो है वो 7 है। अगर इसमें 273 को ऐड किया जाएगा तो इट विल बी राउंड ऑफ नंबर, जो कि इजी होगा लॉग के कैलकुलेशन के लिए। तो इसको 760 केल्विन दिस इज, इस समय जिस समय ये आपका 760 केल्विन है, इस समय जो रीडिंग है सेंसर का वो कितना है? 1 है, 1। सो दिस इज गिवन टू यू, जो सेंसर लगा हुआ है, जो मेटल से रेडिएट होगा हीट, उसका जो पावर रीडिंग वो पी कर रहा है। तो जिस समय सरफेस का टेम्परेचर मेटल का 487 डिग्री सी होगा, यानी कि 760 केल्विन होगा, उसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर का रीडिंग होगा 1 उस समय, ठीक है। लेकिन जिस समय मेटल का सरफेस को बढ़ा दिया जाता है और वो सरफेस टेम्परेचर जो मेंशन किया गया है, इट इज दिस टेम्परेचर, इट इज गिवन टू यू, सरफेस टेम्परेचर वी हैव गिवन 2767। सो 2767 डिग्री सेंटीग्रेड जब रहेगा तो इसको केल्विन में बदल लेते हैं। इस समय सेंसर पे क्या डिस्प्ले होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि बताओ सेंसर डिस्प्ले क्या हो, हाउ टू फाइंड दैट सेंसर डिस्प्ले। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर कितना है, 2767 प्लस 273, ये दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3040 केल्विन। तो इतना केल्विन जब होगा तब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो जिस समय टेम्परेचर हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर है दिया हुआ और जिस समय सेकंड टेम्परेचर है, इसको अब लॉग पे लाते हैं। तो फॉर फॉर T1 टू बी लाइक 760 केल्विन, जिस समय हमें टेम्परेचर है, उस समय लॉग वाला जो रिलेशन हम लोग निकाले हैं उसमें इट इज लॉग बेस 2 एंड देन यू कैन सी हियर दिस इज पी बाय पी नॉट। लॉग बेस 2 पी बाय पी नॉट, ये जो रीडिंग आ रहा है सेंसर का, ये क्या आना चाहिए उस समय, 4 लॉग बेस 2 एंड जो टेम्परेचर हमारे पास है 760, ये आना चाहिए। लेट्स से दिस इक्वेशन 1। अब जिस समय हमारे पास टेम्परेचर है, इस समय रीडिंग जो है आपका 1 है, यानी कि लॉग 2 पी बाय पी नॉट का जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू है
दिस वी कैन राइट हियर इट टू बी वन, वन सेंसर का रीडिंग इसी को रिप्लेस करते हैं. सो दिस यू कैन से दैट इट इज 4 log 2 एंड देन 760. इसके बेसिस पे हमें सोचना होगा, क्योंकि यही जो है आपका ये इसको इक्वेशन वन मानते हैं, क्योंकि ये रीडिंग हमें चाहिए सेंसर का, तो दिस इज इक्वेशन वन. अब जो नेक्स्ट टेम्परेचर हमारे पास है वो है 3040. सो फॉर टेम्परेचर इज 3040 केल्विन, इस टेम्परेचर पे हमें क्या दिखेगा? तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं लॉग का फॉर्म, log 2 P/P0, एंड देन यू कैन राइट दिस टू बी 4 log 2, और जो टेम्परेचर है वो कितना है 3040. इसके बेसिस पे इसको हम लोग मान लेते हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हियर. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें फाइंड करना है कि जो ऊपर का एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो बताओ इसका क्या वैल्यू होगा. दिस इज ओनली क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स. इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स यू कैन डू इजिली दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट टफर वन. लेट्स सी हाउ यू कैन डू. तो इक्वेशन 2 में से अगर हम 1 को सबट्रैक्ट कर ले तो ये कैसा रिलेशन आएगा? दिस विल बी log 2 P/P0 -1, एंड दिस साइड वी आर हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस. तो यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो log और बेस भी कॉमन है. तो अगर हम डिफरेंस करते हैं, log a-b फॉर्मेट करते हैं, तो जब भी log इसमें कुछ कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा आपको इस तरीके से, log a - log b अगर होगा तो दिस इज नथिंग बट यू कैन राइट इट टू बी k एंड देन log a/b, इसको हम लिख सकते हैं. और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और log base 2 आ जाएगा. फिर ये दोनों को रिप्लेसमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो दिस इज इक्वेशन 2 से हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 को ऊपर रखेंगे, दिस इज 3040 डिवाइड बाय जो 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज 760. 760 एंड हियर यू कैन सी दिस 0 गेट कैंसिल आउट. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 76, 75 को 4 टाइम्स करेंगे तो वो 300 होता है. यहाँ 76 है तो इट विल बी 4 टाइम्स. सो यहाँ से ये जो कट रहा है आपको, दिस इज 4 टाइम्स. सो वी कैन राइट दिस टू बी इट इज 4 log 2, देन 4 को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि लॉग फॉर्मेट चल रहा है अभी यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया दिस इज, एंड यू कैन राइट हियर इट टू बी 2, इसका जो है इस तरफ आ जाएगा, सो इट इज 8 log 2 × 2. अब ये जो है ये 1 बन जाएगा. सो दिस वी आर हैविंग द फाइनल रिजल्ट इट टू बी 8. दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज log 2 P/P0 -1, -1. अब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो तो रिजल्ट चाहिए इसका, कि जब ये टेम्परेचर है तो इसमें इसका रीडिंग चाहिए, ये सेंसर का रीडिंग होगा उस टाइम पे. तो इस केस में रीडिंग क्या आ जाएगा? तो जो 1 है उसको हम लोग राइट की तरफ लेके चले जाएंगे. सो फाइनल रिजल्ट वी आर हैविंग इट इज log base 2 P/P0 एंड इज इक्वल टू दिस, 1 विल गो राइट साइड, इट इज 9. सो ये रीडिंग होगा कब? जब टेम्परेचर आपका 3040 केल्विन होगा, जब 3040 केल्विन होगा. तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि जो इन्होंने दिया था उसके बेसिस पे हम इस फॉर्मेट पे ले आए टेम्परेचर को. और उसके बाद तो फिर आई होप इट इज जस्ट मैथमेटिक्स ओनली. यहाँ से फिर हमने टेम्परेचर को रिप्लेस किया और उसके रिलेट किया, फिर दूसरे टेम्परेचर को रिलेट किया और ये स्केल को रीडिंग को फाइंड करना था. तो इस क्वेश्चन में बस फिर उसके बाद दम नहीं था, खत्म कर. सो दिस इज व्हाट इट इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.